गुलबर्गा शहर में आज जनाब नवाब खान साहब फिजिकल एजुकेशन टीचर के रिटायरमेंट के मौके पर जनाब अलाउद्दीन जुनेदी अलमारूफ गौस बाबा की जानिब से तहनीती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका इनॉग्रेशन जनाब वसीम बाबा श्री शुलपुरमर स्वामी जनाब मोहसिन बाबा श्री बसवराज बेन्नसूर के हाथों किया गया और चीफ गेस्ट जनाब नासिर हुसैन उस्ताद कृष्णा रेड्डी इम्तियाज़ सिद्दीकी जनाब फरहान बाबा जनाब नजीब बाबा अब्दुल वहाब डेप्यूटी तहसीलदार और गेस्ट में अलीम पटेल साजिद कल्याणी नजीरुद्दीन मतवाले एडी बादशाह प्रभोलिंग मोलगे और दीगर लोग मौजूद थे। तमाम की मौजूदगी में फिजिकल एजुकेशन टीचर जनाब नवाब खान साहब के रिटायरमेंट के मौके पर नवाब खान साहब के खिदमात को सराहते हुए तमाम लोगों ने तहनियत पेश की है। नवाब खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो गुलबर्गा शहर में 36 साल के करीब अपनी खिदमात देते आ रहे हैं। इनके शागिर्द आज गुलबर्गा शहर में कई डॉक्टर्स इंजीनियर एडवोकेट और पॉलिटिशियन बने हैं। नवाब खान साहब अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के अलावा शेख रोज़ा इलाके के नौजवानों को गलत कामों से रोकते हुए और अच्छे कामों की तरफ बढ़ाते नजर आए हैं। इस मौके पर तमाम लोगों ने नवाब खान साहब को तहनियत पेश कर मुबारकबाद दी और तमाम लोगों को इज्जत अफजाई के लिए नवाब खान साहब ने शुक्रिया अदा किया है। उस्ताद के भाई साहब भी मेरे शागिर्द रह चुके हैं, हमारे जाकिर साहब, बहुत सारे आज डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, बिल्कुल नासिर साहब भी मेरे शागिर्द हैं और मज़ार हुसैन एजुकेट साहब भी फरहान से ही पढ़े हैं, वो भी मेरे शागिर्द हैं। कई लोग डॉक्टर्स और एजुकेट्स बने हैं। फ़ख्र से हम कहीं भी मिलते हैं तो जो नहीं जानते उनको हम मिलाते हैं कि ये मेरे शागिर्द हैं, इतना फील होता है। हम हमारे बच्चों को भी हम उतनी ये नहीं करते हैं, जब हमारे शागिर्द मिलते हैं अपना सीना चौड़ा करके लोगों से बोलते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स मेरे शागिर्द हैं। ये कब होता है? हम उनको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करे होंगे, जब हम वो बच्चों को कुछ सिखाए होंगे। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि हमारी सर्विस के अंदर जो वक्त मिला है, आज मैं जाके सर्विस नहीं कर सकता, आज वो जाके मैं वो मेहनत नहीं कर सकता, उसकी अहमियत नहीं है। जब तक हमारी सर्विस है, इवन लास्ट 30 जून तक भी मैं तनख्वाह ले रहा था, मैं 30 जून तक भी मैं काम किया हूँ सर, जैसा बताए मैं वहाँ हमारे स्कूल में जो है ना 21 को नए इंटरनेशनल 8th योगा डे था, कौमी योगा दिन 21 जून को, उस दिन भी हमारे स्कूल में जो है ना बहुत बड़ा फंक्शन करके पैरामेड और योगासना सिखाए, जबकि मेरे को एक हफ्ता रिटायरमेंट के बाकी थे। मैं चाहता था, अरे जानी भाई बोलता था, लेकिन मेरे को वक्त मिला मेरे बच्चों को और एक चीज़ सिखाने का, बल्कि मैं योगासना भी सिखाया, उनको पैरामेड भी सिखाया, ये चीज़ अब नहीं मिलती। मैं चाहता तो भी मैं मेरे बच्चों को जाके नहीं सिखाता। जब तक मेरे हाथ में इत्तेदार था मैं करा और अल्लाह उसका अज़र दिया है, आज वो बच्चों की दुआ है। मैं 28 साल करुणा मीडियम स्कूल में काम कर रहा हूँ, फर्स्ट जो है ना मदरकी में काम किया 7 साल, उसके बाद अष्टका मौजा है यहाँ पे, वहाँ पे 20 साल काम किया कन्नड़ मीडियम माहौल से। मैं जो है ना जो कन्नड़ बोलते हैं हमारे मुलगे सर मेरे को जो है ना कन्नड़ साहित्य परिषद के संचालक बनाए हैं, एंकर बोल के बनाए हैं, मैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। कन्नड़ सीखने के लिए कोई स्कूल को जाने की ज़रूरत नहीं है, माहौल से कन्नड़ सीखते हैं हम लोग। हर एक लैंग्वेज के लिए माहौल का होना ज़रूरी है, पढ़ना लिखना तो बात की बात है, हम अगर जो माहौल पैदा करेंगे वो माहौल से ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज सीखते हैं हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अवॉइड करते हैं, हम अरे कहाँ करना बात करना भाई ऐसा नहीं, हम सीखने के लिए माहौल तो पैदा करा, अगर नहीं भी आते टूटी फूटी करना मिलता हम सीख जाते हैं। तो मैं वही बता रहा था, मैं माहौल से जो है ना बहुत सारी बातें सीखा हूँ और अल्लाह का ये एहसान है उन बच्चों के अवेज में जो मैं बच्चों को जो कुछ भी सिखाया हूँ उनकी दुआओं से आज मेरे बच्चे 3 बच्चे मेरे मेडिकल कर रहे हैं, एक MD है कोपर में कर रहे हैं, एक बच्ची MBBS है और एक जो है ना PG हो गया नवोदय में। ये महज मेरे वालिदैन की दुआएं, बुजुर्गान दीन की दुआएं और मैं उन बच्चों का शुक्र अदा करता हूं जो मैं बच्चों को सिखाया हूं या नहीं सिखाया उनकी दुआ है। क्योंकि आज के दौर में एक शख्स अपनी सर्विसेज एक डिपार्टमेंट को रेंडर कर रहा है और पूरे मोहल्ले के लोग उनको तैनियत करते हैं, ये नवाब खान साहब को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, उनको देखता रहा हूँ, बड़े ही एक्टिव किस्म का मिजाज है उनका और सोशली वो अपने आप को हर शोबे में इन्वॉल्व करना रखना चाहते हैं और इन्वॉल्व होते हैं। आज उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो सर्विसेज रहा है फिज़िकल एजुकेशन के अंदर उनकी सर्विस रही है और अल्हम्दुलिल्लाह रिटायरमेंट के बाद उनकी पर्सनालिटी देखने पर महसूस होता है कि वो फिज़िकल एजुकेशन देने के लायक हैं और उन्होंने अपने फिजिक को उतना अच्छी तरीके से मेंटेन किया। जो आपका जो सोशल
इंक्लिनेशन है आपको, अपने आप को जो सामाजिक तौर पर इन्वॉल्व होकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, एक हम तमाम लोग जितने भी गुलबर्गा शहर के यहाँ पर जितने आपके चाहने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार डाइस पर बैठे हुए आपके कलीग्स तमाम लोग, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो है रिटायरमेंट नहीं बल्कि न्यू एडमिशन हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि शेख रोज़े के अंदर जो आप लोग आपने जो दिलों को जीता है, जिस मोहब्बत के साथ खलूस के साथ यहाँ पर लोग आए हैं, ये मोहब्बत इसी तरह बरकरार रहे, क्योंकि इंसान का जो ज़िंदगी का मकसद है, एक नौकरी, एक कारोबार, माली तौर पर अपने घर को चलाना, अपने बच्चों को पढ़ाना, इस हद तक ये महदूद ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग। लोगों को अपने चार दीवारी के बाहर, अपने ज़ात के बाहर, अपने मज़हब के बाहर चीज़ें नहीं दिख रहे हैं। आज हमारे को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इन तमाम शोबों से बाहर निकल करके देखें, क्योंकि आज नवाब खान साहब की तैनियत में हमारे हिंदू भाई भी बड़े दिल खोल के आए हैं, ये हमारी पहचान है। आज जो नवाब खान साहब, ये मेरे वालिद के दोस्त है, उन्होंने जब स्कूल में जब एक प्रोग्राम किए थे रिटायरमेंट होने के बाद, तो उस टाइम पे मैं उधर गया था प्रोग्राम में। उस दिन रात में शायद पिताजी से आप बात कर रहे थे, तो हमारे वालिद इतना तारीफ कर रहे थे, आप तुम लोग बहुत छोटे छोटे थे, खान साहब का बहुत तारीफ चल रहा था, लगभग उन्होंने एक आधा घंटा तो खान साहब के बारे में तारीफ करे। तो आज मैं जब मेरे वालिद के दोस्त है तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मगर जो आज फिज़िकली उन्होंने जो टीचर बन के जो रिटायर्ड हुए, आज महसूस नहीं हो रहा है कि आप रिटायरमेंट हुए बोल के। तो आप सियासत में आके सियासत को फिज़िकली टीचर बन के आप सियासत वालों को फिज़िकली जिस तरह रहे ना वो आप सिखाना चाहिए अभी आगे के जो भी। अल्लाह ताला आपको 100 साल उम्र दे, हम दुआ करेंगे और आपके दुआएं हमारे साथ रहना चाहिए। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ आज जो हम लोगों को यहाँ पे आप बुला के जो गेस्ट के दौर में आप यहाँ पे प्रोग्राम जो हमारे गौस बाबा साहब के नेतृत्व में जो प्रोग्राम हुआ है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। आज नवाब खान साहब के साथ साथ मैं यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों से ये कहूँगा कि वक्त और हालात को समझें। एक नवाब भाई 36 साल नौकरी करने के बाद में अपनी तमाम कुर्बानियाँ वो कौम के लिए या मेरे और आपके आने वाली नस्ल के लिए देकर भी वो फिट हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए कि ये अपनी जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं नवाब खान साहब से कहना चाहूँगा, जब भी ज़िंदगी में ऐसा मौका आएगा मैं हमेशा उनके कंधे के साथ अपना कंधा लगा के खड़ा रहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो 36 साल इस शहर को दिया है उसके अवज़ में हमारे पास देने के लिए दुआओं के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह उनकी आने वाली ज़िंदगी को हिफाजत से गुजारे। नवाब खान सर बगे तुम्हारा सविस्तर है
ಅಷ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನವಾಬ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದರಿಂದ ಭಾಳ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವರು 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಾರ್ತ ಸಂಚಾಲಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಭಾಳ ಸದೃಢ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕಿನಲ್ಲೇ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರು ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾವತ್ತು ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಕನ್ನಡದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವರ ನವಾಬ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಸಲ್ಲಿಸೆವು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದು ಅವರಿವರು ನೆಲೆಯಲ್ಲದೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ವಚನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಭಾಳ ಸತಿ ನಾವು ಭಾಷಣ ಕೇಳೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವಾಬ್ ಖಾನ್ರ ಸೇವೆ ತಾವೆಲ್ಲರೇನಪ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ 5 ವರ್ಷ ಪಿರಿಯಡ್ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವ್ರನ್ನ 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಜ್ಲಾಸ್ ಬಹುತ್ ಹೀ ಪ್ಯಾರಾ ವಕ್ತ ಗುಜರಾ ಹೈ ಅಭಿ ಏಕ್ ಘಂಟೆಗೆ ಅಂದರ್ ನವಾಬ್ ಸಾಹಬ್ ಕಾ ಇಸ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಭಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ ವಹಾಂ ಪರ್ ಜೊ ಹೈ ನಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾ ಏಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಆಜ್ ಸೇ 15 ದಿನ ಪಹಲೆ ಕಾಫಿ ತಾದಾದ ಮೇ ಲೋಗ್ ವಹಾಂ ಪರ್ ಮೌಜೂದ್ ಥೇ ಉನ್ಕಿ ಯೇ ಶಖ್ಸಿಯತ್ ಜೈಸೆ ಕಿ ಹಮಾರೇ ಕಾಯದ್ ನಾಸಿರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹಬ್ ನೇ ಅಭಿ ಕಹಾ ಹೈ ಕಿ ಉನ್ಕಿ ಜೊ ಶಖ್ಸಿಯತ್ ಹೈ ಮೇ ಸಮಝ್ತಾ ಹೂಂ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಯಹಾಂ ಹಮಾರೇ ಆನೆ ವಾಲಿ ನಸಲ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬೆಹತರೀನ್ ಕಾರ್ಗರ್ದಿಗಿ ಸಾಬಿತ್ ಹೋಂಗಿ ಜೊ ಉನ್ಹೋನೇ ಅಪ್ನೇ ವಕ್ತ ಕೋ 36 ಸಾಲ ಅಪ್ನಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋ ದಿಯೆ ಹೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಾಲೀಮ್ ಇದಾರೋ ಪರ್ ಔರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಜ್ ಯೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಮಾರೇ ಗೌಸ್ ಬಾಬಾ ಉನ್ಕಿ ಟೀಮ್ ನಜೀಬ್ ಬಾಬಾ ವಗೈರಾ ತಮಾಮ್ ಲೋಗ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ರಖೇ ಇಸ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಗೌಸ್ ಬಾಬಾನೆ ಕಹಾ ಥಾ ಕಿ ಮುಜ್ಸೆ ವಹಾಂ ಏಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಖಿಯೇ ಬೋಲ್ಕೆ ಉನ್ಹೋನೇ ಅಪ್ನೇ ಕಾಮ್ ಕೋ ಆಜ್ ಅಂಜಾಮ್ ದಿಯಾ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಭಿ ಮುಬಾರಕ್ಬಾದ್ ದೇತಾ ಹೂಂ ಬೆಹತರೀನ್ ಅಚ್ಛೆ ಅಂದಾಜ್ ಮೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೋ ಅಂಜಾಮ್ ತಕ್ ಪಹುಂಚಾಯಾ ಔರ್ ಇಸ್ ಜಲ್ಸೆ ಮೇ ಆಯೇ ಹುಯೇ ತಮಾಮ್ ಲೋಗೋಂ ಕಿ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ ಫಿರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ನವಾಬ್ ಸಾಹಬ್ ಕೋ ಮುಬಾರಕ್ಬಾದ್ ದೇತೇ ಹುಯೇ ಏಕ್ ಶೇರ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಪ್ನಿ ಜಗಹ ಲೇನಾ ಚಾಹೂಂಗಾ ನವಾಬ್ ಸಾಹಬ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಹೈ ಕುಛ್ ಕಿಯೇ ಜಾಓ ಲೇಕಿನ್ ಹಮೇ ಖುದಾ ಕುಛ್ ನಾ ಕರ್ನಾ ಹೀ ಬಡಿ ಖರಾಬಿ ಹೈ ಕಾಮಯಾಬಿ ಕೋಯಿ ಚೀಜ್ ನಹೀ ಹೈ ಮೇರೆ ಲಿಯೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ನಾ ಹೀ ಬಡಿ ಕಾಮಯಾಬಿ ಹೈ ಜೈಸಾ ಕಿ ಆಪ್ ತಮಾಮ್ ಹಜರಾತ್ ಜಾನ್ತೇ ಹೈ आज नवाब खान साहब फिज़िकल टीचर जो कि हमारे सर हैं उनका रिटायरमेंट प्रोग्राम रखा गया था खादरी चौक पर और इस जलसे की सदारत जनाब शेख शाह मोहम्मद अलाउद्दीन जुनेदी अलमारूफ गौस बाबा ने की और उनके साथ ही साथ शुल्पुल मत मुतिया और वसीम बाबा साहेब सज्जादा नशीन बारगाह नीलूर शरीफ और जेडीएस के लीडर जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब और इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब और डिप्टी तहसीलदार अब्दुल वहाब मुल्ला और कन्नड़ा साहित्य के भी कई सारे लोग और गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर देखी गई. अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी खिदमतें जो आपने की थी उसी का एक नमूना आज के प्रोग्राम में देखा गया और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमने आपकी शागिर्दी में कई सारे चीज़ें सीखने मिली और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा आपकी रहनुमाई और आपकी सरपरस्ती हम तमाम पर सलामत रखें और हमेशा हमारे साथ कार्य खैर करने की तौफीक अता फरमाए. आज हमारे नवाब खान साहब फिज़िकल टीचर के रिटायरमेंट के प्रोग्राम में शेख रोज़े की और खादरी चौक की जानिब से प्रोग्राम रखा गया था जिसमें कई लीडर्स और हमारे सुल्फुल मठ स्वामी जी और भीख अर्जुन टेम्पल के प्रेसिडेंट शन बसु साहब तमाम लोग शिरकत किए थे. मैं सबको शिरकत करने वालों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं हमारे नवाब खान साहब जो हमको ट्रेनिंग देते हुए आए अच्छी तरबियत दिए हमको भी हर चीज़ में कि ये ऐसा नहीं करना ऐसा करना प्रोग्राम ऐसा करना हर चीज़ में हमारे को ये करे तो स्कूल के हम तो सर के महल के हिसाब से हमारे को ट्रेन करे स्कूल के बच्चों को कैसा ट्रेन नहीं किए होंगे बहुत अच्छी तरीके से और अच्छी जो उनको
पूरा टाइम फुल टाइम दे के जो ट्रेनिंग करे हैं वो और ज़्यादा तरबियत में ये हुआ है सर की वजह से। हमको तो बहुत ज़्यादा सर हमारी सरपरस्ती करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, और साथ ही साथ मैं सर के सेहत के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सर को की उम्र दराज करे। आज जो हमारे नवाब खान साहब जो अपने फिजिकल इंस्ट्रक्टर के ड्यूटी से रिटायर्ड हो गए हैं, और उस सिलसिले में जो फंक्शन रखा गया था उस फंक्शन में कई नामचीन लोग, कई तुम्हारे इदारे के टीचर्स और जो है सो स्वामी और मौलवी लोग हाजिर होके ये फंक्शन को चार चांद लगा दिए, तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारे खान साहब अपनी सर्विस में सरकारी नौकरी करते हुए भी जो सोसाइटी में लोगों से मिलजुल के जो काम किए हैं उसका आज नज़ारा देखने को मिला। आज नज़ारा तो नवाब खान साहब की शख्सियत किसी के तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने इलाक़े शेख रोज़ा और शहर गुलबर्गा में कई एक ऐसे काम अंजाम दिए हैं जो मिल्लत और कौम के लिए जो है आज आने वाले वक्त में और आज भी जो है बहुत ही फ़ायदे का काम हो रहा है। इंशाल्लाह हम जो है उनसे पुरुमीद हैं कि आने वाले वक्त में भी वो मुल्क कौम मिल्लत और जो है इलाक़े शेख रज़ा के लिए जो है जिस तरह पहले काम करते थे अब पूरा अपना वक्त देते हुए यहाँ के जो है फलाही कामों में, अवामी मसाइल में, लोगों को जो है जोड़ने में और गंगा और जमनी तहजीब को बाकी रखने में और लोगों के दिलों में जो है मोहब्बत और खलूस को जो है पैदा करने में हर दम काम करते रहेंगे। आज का ये तहनती जलसा जो मुनक़द किया गया था गौस बाबा और नजीब बाबा और उनकी टीम की जानिब से, सबसे पहले मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं अपनी सर्विस के दौरान क्योंकि मैं फिज़िकल टीचर था इस लिहाज से मैंने जो भी खिदमत की है अल्लाह ताला उसका ये अजर दिया है कि इतने लोग आज यहाँ पे जमा होकर जो है ना अपनी दुआओं के साथ तहनियत पेश किए हैं। और आइंदा भी मैं इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआओं से आने वाले दिनों में भी खार खैर और खिदमत खल्क के लिए मैं कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से मैं दुआगो हूँ और आपको भी मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप हर वो अच्छे काम में मेरे साथ रहिए। अल्लाह से जो है ना जो भी काम बनेगा इंशाल्लाह हम अदा करेंगे।